एक बार की बात है, जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी के और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर में घूमने जाने का विचार बनाते हैं। अब उसके लिए उन्हें लक्ष्मी जी से भी आज्ञा लेनी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी उन्हें हाँ कर देती हैं और वे 3 दिन में वापस आने का वचन देकर अपनी मौसी माँ गुंडीजा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वह 3 दिन तक अपनी मौसी के घर रहते हैं। अब 3 दिन पूरे हो जाते हैं और लक्ष्मी जी चिंतित होने लगती हैं कि 3 दिन पूरे हो गए हैं और जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। ऐसा सोच सोच कर लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो जाती हैं। वे बार बार दरवाजे पर जाती हैं, अपनी सेविकाओं से पूछती हैं कि क्या जगन्नाथ जी की लौटने की कोई खबर आई है। अब ना तो जगन्नाथ जी आए और ना ही उनकी कोई सूचना। और सबसे बड़ी बात, उनके सेवक जो हमेशा बाहर खड़े रहते थे, आज वो भी नहीं दिख रहे थे। अब 4 दिन पूरे हो चुके थे। लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई थी। वे बार बार अपनी दासियों से पूछती, स्वामी की कोई खबर आई है क्या? क्या जगन्नाथ जी आ रहे हैं या उनके सेवक कोई संदेश लाए हैं? परंतु उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगती। वह झांकी से बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती रहती। अब 5वां दिन भी हो चुका था। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था और उनकी प्रतीक्षा और चिंता क्रोध में बदल गई थी। वे बोली, 3 दिन का बोलकर गए थे, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, अब तक नहीं आए हैं। और उन्होंने अपनी दासियों और सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, अभी के अभी मेरी पालकी तैयार करवाओ, हम गुंडीजा माँ के मंदिर में जाएंगे। लक्ष्मी जी का आदेश सुनकर उनके दास उनकी पालकी तैयार करने में लग गए। पालकी तैयार होते ही वे मंदिर के लिए निकल पड़ी। कुछ देर के बाद वे मंदिर पहुंच गईं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवक को अपने आने की खबर दी और खबर सुनते ही जगन्नाथ जी को अपना वचन याद आ गया जो उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया था कि वे 3 दिन में वापस आ जाएंगे। अब वे सोचने लगे कि इस समय लक्ष्मी जी बहुत क्रोध में होंगी, अभी तो उनसे मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनका क्रोध शांत होते ही फिर उनसे मिलने जाऊंगा। और उन्होंने अपने सेवकों के साथ संदेशा भिजवाया कि वे अभी लक्ष्मी जी से नहीं मिल सकते। बस इतना सुनना था कि लक्ष्मी जी के क्रोध का पार ना रहा और वो इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने सेवकों को यह आदेश दे दिया कि वे जगन्नाथ जी का रथ तोड़ डालें। पहले तो सेवक सक पकाए, ये कैसा आदेश है देवी। परंतु जब उन्होंने अति क्रोधित लक्ष्मी जी को देखा तो उन्हें आदेश का पालन करना ही पड़ा और उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। रथ टूटने के बाद जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी के भक्तों में इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के बाद वे वापस अपने मंदिर आ गईं। जब लक्ष्मी जी अपने पति को 5वें दिन देखने जाती हैं तो उसे ही हम हेरा पंचमी के नाम से जानते हैं। तो उस दिन हेरा पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और प्रतीक स्वरूप आज भी पंचमी के दिन जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी के सेवकों में हल्की फुल्की लड़ाई की जाती है और 7वें दिन बलराम जी और जगन्नाथ जी के भक्त शाम को दर्शन करके अगले दिन उन्हें वापस मंदिर के लिए रवाना कर देते हैं। और इस वापस जाने वाली यात्रा को बहुरा यात्रा के नाम से लोग जानते हैं। अब भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और बहन सुभद्रा तीनों शिव मंदिर पहुंचते हैं और उनके आते ही लक्ष्मी जी को यह संदेश उनके सेवक दे देते हैं कि जगन्नाथ जी आ गए हैं।
यह सुनकर लक्ष्मी जी पहले तो बहुत खुश हो जाती हैं। जो भी हो, उनके स्वामी वापस जो आ गए थे, वे बड़ी प्रसन्न थीं। वे तुरंत उनसे मिलने जाती हैं और इस मिलन की घड़ी को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है और वह वापस शिव मंदिर चली जाती हैं। तब जगन्नाथ जी और बलराम जी और सुभद्रा जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो सुभद्रा जी और बलराम जी तो मंदिर के अंदर चले जाते हैं, परंतु जगन्नाथ जी को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं मिलती। उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। लक्ष्मी जी के आदेश से उनके लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी ये देखकर हाथ जोड़कर अपनी अर्धांगिनी से माफी मांगते हैं। फिर लक्ष्मी जी थोड़ी देर के बाद उन्हें माफ कर देती हैं। फिर दोनों एक साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और इस तरह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समाप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।